देश के प्रधानमंत्री तो खुलेआम कहते हैं मुफ्त की सुविधाएं बिल्कुल नहीं मिलनी चाहिए, बंद हो जानी चाहिए मुफ्त की सुविधाएं। आपको सोचना है, अरविंद केजरीवाल नहीं होगा तो दिल्ली का क्या होगा? बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा की सुविधा, मोहल्ला क्लिनिक की सुविधा, जहां फ्री दवा, फ्री टेस्ट, फ्री अल्ट्रासाउंड, फ्री इलाज, ये बंद हो जाएगा। ये मोहल्ला क्लिनिक बंद कर देगी बीजेपी, ये मुफ्त की दवाएं बंद कर देगी, क्योंकि वो तो दिल्ली के लोगों को अपमानित करते हैं, कहते हैं मुफ्त खो रहे हैं, मुफ्त खो रहे हैं। याद रखना, आपको गालियां देते हैं ये तो अरविंद केजरीवाल है जो लड़ लड़ के आपके लिए सुविधाएं लेके आते हैं। कल जब उन्होंने इस्तीफा दिया तो पहली बात उन्होंने की कि अब हम ये सारी सुविधाएं छोड़ देंगे, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने फैसला किया है कि वो, उन्होंने कहा हम अपना मकान खाली करेंगे, हम अपना घर खाली करेंगे।